हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लाए हैं मूंग दाल की भुजिया। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनती है, जिसका कोई जवाब नहीं। बिगेनर है वो भी इसको आराम से बना सकते हैं एक बार में ही। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने साबुत मूंग को ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा हुआ था। मूंग हमारे अच्छे से भीग चुके हैं और इनको हमने 4 से 5 बार साफ पानी में धो लिया है और पानी को हम अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। और अभी हम एक किचन टॉवल लेंगे, उसके ऊपर हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। टॉवल को इस टाइप से बिछा के मूंग को हमें अच्छे से फैला देना है और पंखे के नीचे हमें इसको रखना है 1.5 से 1 घंटे के लिए, ताकि मूंग हमारे अच्छे से ड्राई हो जाए। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस टाइप से इनको फैला देंगे। 1 घंटे बाद ये देखिए मूंग हमारे खूब अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। और अभी हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है तेल को गर्म करने के लिए। तेल हमारा आउट चुका है। अभी हम एक छलनी लेंगे और इस पर रख देंगे। इसी के अंदर हमें मूंग को फ्राई करना है। जितने मूंग छलनी के अंदर आराम से आ जाए, हमें उतने ही मूंग फ्राई करने हैं एक बार में। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और गैस से हमें थोड़ा सा दूर हटके खड़ा होना है। इस तरह से हमें सावधानी से इसमें चम्मच चलाते रहना है। हम लगातार हम चलाते रहेंगे चम्मच को, इस टाइप से उठा उठा के हम डालते रहेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें छलनी को बाहर निकालना है। ये देखिए इस टाइप से 3 से 4 मिनट में हमें इसे चेक करना है, मूंग हमारे फ्राई हुए हैं या नहीं। ये देखिए इस टाइप से हमें इसे लगातार चलाते रहना है। 7 से 8 मिनट में मूंग हमारे फ्राई हो जाएंगे। इस टाइप से इसको उठा उठा के डाल लेंगे, इसकी आवाज़ से हमें पता चल जाएगा मूंग हमारे फ्राई हुए हैं या नहीं। ये देखिए फ्राई होके काफ़ी कम हो चुके हैं। ये देखिए इसकी आवाज़ से पता चल रहा है मूंग हमारे फ्राई हो चुके हैं, भुजिया हमारी तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी आवाज़, ये छन छन की आवाज़ से पता लग रहा है भुजिया हमारी तैयार है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और तेल को निकाल के हम एक बाउल के अंदर इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर लगा के, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख ले। अब इसको फैलाने के लिए हम एक बड़ी सी थाली लेंगे, इसमें एक टिश्यू पेपर लगा देंगे और इसमें डाल के हम इसको अच्छे से फैला देंगे ठंडा होने के लिए। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे 1.5 से 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटे बाद ये देखिए नमकीन हमारी ठंडी हो चुकी है। और अभी हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची नमकीन हमारी तैयार हुई है। ये देखिए इसका कलर, इसका टेक्स्चर, क्या लाजवाब नमकीन बनी है। अभी हम इसमें डालेंगे मसाला 1/2 चम्मच। हम इसमें काला नमक डाल देंगे, आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।